हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनिल मौर्य और आज हम आए हैं प्रयागराज कुंभ में। दोस्तों ये है प्रयागराज की कुंभ नगरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुंभ के बारे में आपको पूरा बताएंगे और जो है आपको कुंभ के पूरा दर्शन कराएंगे, कहाँ कैसी व्यवस्था किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अब हम कुंभ की तरफ और देखते हैं ये इस बार जो दिव्य कुंभ है। देखिए, हम इस समय झूसी रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज में पड़ता है उसके बाहर आए हुए हैं और रोड से प्रयागराज कुंभ की तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में भारी भड़कम भीड़ ये प्रयागराज कुंभ में, जो इस बार दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के नाम से जाना जा रहा है, उसमें लोग स्नान करने के लिए कैसे आए हुए हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अधिक संख्या में सभी लोग आए हैं। ये प्रयागराज की धरती पे हर साल कुंभ का मेला लगता है, लेकिन इस बार प्रयागराज के धरती पे यानी कि संगम नगरी प्रयागराज में बहुत ही अधिक भीड़ आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि अपना संगम स्नान करेंगे। देखिए इस बार अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और चलते हैं तो दिखाएंगे आपको पूरा कुंभ नगरी कैसा। इस समय कुंभ नगरी रात को देखते हैं तो एकदम स्वर्ग जैसा महसूस होता है। और देखिए इस समय हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गंगा के करीब और देखिए कितने ज़्यादा भीड़ आई हुई हैं, कितने ज़्यादा लोग आए हैं। देखिए ये ठंड का मौसम है, फिर भी सभी लोग ठंड का सामना करते हुए आगे जा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, जी हाँ दोस्तों, ये हम आ चुके हैं इस समय कुंभ के मेले में। ये देखिए कितने अधिक संख्या में सभी लोग आए हुए हैं। ये देखिए कितना चौड़ा जो है रोड बनाया गया है, लेकिन यहाँ की सबसे खास बात ये है इतने श्रद्धालु, इतने भीड़, इतने पब्लिक के साथ होने के बाद भी यहाँ पे जो सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है उसके तहत जो काम हुआ है और हो रहा है वो बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए हम आगे चल रहे हैं, ये देखिए धीरे धीरे हम मेले में और अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये इधर, ये इस तरफ देखिए कितनी लाइट लगी हुई है, इतना लाइट है। देखिए इतने पब्लिक के बीच में भी कितना जगह है और इतनी साफ सफाई है कि देख कर दिल खुश हो गया। और देखिए ये जो लाइट लगी हुई है, इस लाइट से ऐसा महसूस होता है कि जो है दिन जैसा ही महसूस होता है। देखिए कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं और दूर दूर क्या कह सकते हैं कि देश के सभी कोनों से लोग आए हुए हैं, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितने अधिक हैं सभी लोग। कोई स्नान करके आ रहा है तो कोई स्नान करने जा रहा है। ये देखिए हम आपको बता दें, ये इस समय रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे हम यहाँ पे आए हैं। देखिए ये जो है, ये नीचे जो है जहाँ रेत रेत था, हमारे जो स्टोन था सेंड जो बोलते हैं बालू, उस पर देखिए ये जो है लोहे की चद्दर बिछा कर उस पर रोड बनाया गया है। और ये रोड जो है इतना चौड़ा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये इस चद्दर इसलिए है क्योंकि अगर गाड़ियाँ आ रही है तो गाड़ियों जो है आराम से चल सके। देखिए कितनी चौड़ाई तक बनाया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं आगे चलते हुए, ठंड बहुत है, रात का 1 बज रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो मोबाइल का टावर है, यहाँ मोबाइल के टावर को भी लगाया गया है कि यहाँ पे कोई भी असुविधा ना हो और सभी लोग जो है अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे जगह जगह टॉयलेट बनाया गया है जो कि सभी श्रद्धालुओं, सभी लोगों के लिए एक अच्छा सुविधा बन सके। और जो टॉयलेट है जगह जगह आपको मिलता रहेगा। ये देखिए रात का 1:30 बज रहा है,
लेकिन फिर भी इतने, ये देखिए यहाँ पे हम आए हुए हैं, ये देखिए जो रोड बना हुआ है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन प्रयागराज के प्रशासन जो है यहाँ पे रहते हैं, और देखिए यहाँ पे इस समय रोड को ब्लॉक किया गया है, और जो है इसे सिर्फ गाड़ियों के लिए वैन इस समय किया गया है, रात को सिर्फ और सिर्फ पैदल जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग इधर से, ये देखिए चौराहा है यहाँ पे, और इसे जो है सेक्टरों में डिवाइड किया गया है कि आप लोग अगर कहीं से दूर से आ रहे हैं तो किसी को बता के मालूम कर सकते हैं हम इस समय इस सेक्टर में खड़े हैं, और सभी सेक्टरों का अपना अपना महत्व है। और देखिए हम अब इससे अंदर चलते हैं, और इसी के पीछे अगर हम सीधा चलते हैं तो हम पहुंच जाएंगे संगम के पास में। ये देखिए हम इससे अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का पोस्टर है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी का, और ये देखिए हम इसी रोड से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रात का समय है, फिर भी ये देखिए ऊपर ये मंच बना हुआ है जहाँ से जो हमारे जवान जो कि देश के सिपाही हैं वो यहाँ से प्रशासन को नियंत्रण करते हैं, और जो है यहाँ पे देखिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ठंड बहुत है लेकिन फिर भी हम आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या है कैसे है। ये देखिए यहाँ पे इससे आगे हम आपको बढ़ते हुए चल रहे हैं, ये देखिए ये जो मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बांस का एक कटरा जैसा रास्ता बनाया गया है दोनों तरफ से बांस का करके, इस बांस का मतलब इसलिए है कि अगर जब बहुत अधिक संख्या में पब्लिक आ जाते हैं, भीड़ लग जाते हैं, तो पब्लिक को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्नान, यानी कि स्नान तक जाने के लिए यानी संगम तक जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस समय हम लोग तो बाहर हैं, इसलिए क्योंकि रात का समय है उतना पब्लिक है नहीं, तो इसलिए हम लोग बाहर से चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइट का जो है डेकोरेशन हो ही रहा है कि अगर कहीं से कुछ मेंटेनेंस की कार्य चल रही है अभी, और देखिए यहाँ पे ये देखिए रात का समय है, फिर भी ये देखिए हम लगभग लगभग ये जो संगम है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये देखिए संगम के जस्ट पहले ही ये देखिए गेट बनाया गया है, गेट पे जो है फूलों का एक द्वार बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये द्वार बन ही रहा है, और सुबह तक ये जो है तैयार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए अब हम इसी गेट से अगर जब आप अंदर जाते हैं तो आप जो है सीधा जो है जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिली हुई हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे हैं इसी के द्वार के अंदर, अब हम चलते हैं जहाँ पे संगम है, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उस जगह पे चलते हैं जिसे देखने के लिए सभी लोग व्याकुल रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जो रेत है, रेत पे जो है ऐसा जो बांस की जो पत्तियां होती है उसे, और जो है कई चीज़ों को ऐसे सूखा लाकर बिछा दिए हैं जिससे जो है रेत पाँव में ना लगे। ये देखिए सबसे अच्छा चीज़ जो लगा, ये देखिए दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, जी हाँ दोस्तों दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के नाम से इस बार का कुंभ जाना जा रहा है जो प्रयागराज में है। ये देखिए इतना अच्छा इसे बनाया गया है, ये देखिए पूरा डिटेल दिखा रहे हैं, ये देखिए दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, लोग यहाँ पे अपना जो है पिक ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या इतना अच्छा, इतनी सफाई के साथ बनाया गया है कि देखकर दिल खुश हो जाएगा। और देखिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये उस तरफ जो आपको दिख रहा है वही है संगम जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, यानी कि कह सकते हैं मिली हुई हैं। अब देखिए ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए पानी है, रात का समय है, लाइट कितना अच्छा है, फिर भी जो बहुत है। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो देखिए रेत की बोरियां जो है, बोरियों में रेत भर भर के गंगा नदी और यमुना नदी और सरस्वती नदी जो है जहाँ पे मिली हुई है वहाँ पे जो है स्नान करते हैं, वहाँ पे जो है
पानी के पास में बिछाया गया है कि जिससे जो है कीचड़ ना हो सके और जो है आराम से सब लोग आ जा सके। ये देखिए इस तरफ जो है एक नदी आई है जिसे बोलते हैं यमुना नदी, जो कि नैनी ब्रिज से होते हुए इस तरफ आए हैं। ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, और हम आपको दिखाते हैं पूरा अच्छे से। ये देखिए इस तरफ और इस तरफ ये फाफामय होते हुए आया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये सोच रहे होंगे ये लाल कलर का जो है ये क्या है, आखिर ये क्या है। ये जो है इस बार ऐसा व्यवस्था किया गया है, देखिए जो लाल कलर का है, कि इतना दूर तक ही आप स्नान कर सकते हैं, उसके आगे जाने पर आपको थोड़ी बहुत खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है इसे लाल कलर के घेरे को बांध दिया गया है। ये जो है प्लास्टिक का है और आगे जो है नाव है, और इसी में आपको जो लाल कलर का उसी तरफ स्नान करना पड़ता है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप हमारे उंगली से सीधे चले जाएंगे, ये इस तरफ से जो है फाफा माउ से गंगा नदी आते हुए ये इस जगह पे आया हुआ है। ये यहाँ पे ये देखिए फाफा माउ से मेरे उंगली का इशारा है, ये फाफा माउ से इस तरफ से गंगा नदी आ रही है। और देखिए ये वो जो रेड कलर की है वहीं पे जो है आकर यमुना और सरस्वती से आकर मिली हुई हैं दोस्तों। इसीलिए जहाँ पे हम खड़े हैं वो संगम है। और ये देखिए ये फाफा माउस जब आई, ये देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, वहीं पे जो है आकर तीनों नदियाँ आपस में मिला है, ऐसा देखने को भी मिलता है। और सभी पुरानी मान्यताएं भी है। और देखिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं पूरा अच्छे से थोड़ा सा। ये देखिए पानी कितना साफ है। इस बार ये जो स्वच्छ भारत अभियान का, ये देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, मैं हूँ अनिल मौर्य। और ये देखिए इस तरफ जो है जो रेड कलर का है वहीं पे तो गंगा यमुना सरस्वती आपस में मिले हैं, और ये पानी जो है, और इस तरफ जो ये सामने देख रहे हैं उधर से जो है वो गंगा नदी है, वो सीधा जो है वो विंध्याचल के लिए, विंध्याचल होते हुए बनारस होते हुए निकल गए गंगा नदी। और इस तरफ से जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस तरफ से जो है फाफा मऊ होते हुए गंगा नदी आई हुई है। ये देखिए ऐसे आई गंगा नदी, ऐसे ऐसे आई, आप हमारे उंगली को देख सकते हैं, हाथों से इशारा कर ही रहे हैं ये। और उधर जो सीधा चली गई है वो जो है विंध्याचल होते हुए बनारस चली गई है सीधा। हाँ, और देखिए और जो इस तरफ है मेरे, इधर से जो है यमुना नदी आई है, जो कि नैनी ब्रिज को क्रॉस करते हुए यमुना नदी आई, और जो मैं जहाँ पे इसमें हम उसके पीछे ही आकर तीनों नदियाँ आपस में मिल गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखिए उधर से यमुना नदी और इधर से गंगा नदी, और सरस्वती नदी मानते हैं कि ये जो है यहीं पे नीचे से आकर यहीं पे मिलते हैं। देखिए कितना साफ पानी है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना साफ और शुद्ध पानी है यहाँ पे। ये देखिए ओ उस तरफ सीधा जो है विंध्याचल होते हुए बनारस के लिए गंगा नदी निकल गई है, और ये देखिए इस तरफ जो है यमुना नदी है, जो कि नैनी ब्रिज को पार करते हुए आए हैं। वही जो रेड कलर का जो आपको लाइट दिख रही है, यहीं पे जो है तीनों नदियां आपस में मिले हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एक ये जो रेत की बोरे में रेत भर के रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ ना हो। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर स्नान कर ही रहे हैं, और हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये अपने फ्रेंड के साथ हम आए हुए थे, ये देखिए। और ये देखिए हम लोग जो है सोचे हैं जब यहाँ तक आए हैं तो पानी को भी छू ही लेते हैं, स्नान करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखिए दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। जी हाँ दोस्तों, इस बार देखिए ये है पानी कितना साफ है, और ये देखिए मेरा फ्रेंड जा रहा है और ये पानी को आपको छू कर दिखाएगा कि हाँ वहाँ पर पानी है। ये देखिए उसके हाथों में पानी है। तो हम क्या सोच रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसे, और हम सोच रहे हैं हम भी आज जा रहे हैं। ये देखिए ये पानी को हमने इसी जगह पे गंगा नदी और यमुना नदी सरस्वती नदी तीनों आपस में मिले हैं।
तो अभी रात का काफी समय है, लगभग 1:30 बज रहा है, 2 बजने के करीब है। अभी हम थोड़ी देर में स्नान हम लोग भी करेंगे। और देखिए सभी लोग जो है इतने कड़ाके की ठंड में भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो है इसे शाही स्नान बोलते हैं। ये देखिए रात के 1:30 बजे भी सभी लोग जो है कितने हर्ष उल्लास के साथ में स्नान कर रहे हैं। देखिए कितने अधिक संख्या में यहाँ पे घाट पे जो है भीड़ है, आप देख सकते हैं इस तरफ क्या नज़ारा है, हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने भी स्नान कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे अब सभी लोग स्नान करके आज निकल रहे हैं, तो हम लोग भी स्नान करके कपड़े पहन लिए हैं। और देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ है कि अगर थोड़ी देर और रुकते, इस समय रात के 3 बज रहे हैं, यानी कि भोर हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे सभी लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो जो आपको हमने दिखाया था रेड कलर का, उससे पहले पहले ही सभी लोग स्नान कर रहे हैं। यही चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ की जो सफाई है और प्रशासन व्यवस्था है वो इस समय बहुत ही अच्छा है, सर किसी को किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे चीज़ें बताते रहेंगे। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले।